हेलो नमस्ते। आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, इसे हम स्तन के कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में महिलाओं में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। फर्स्ट है यूटीआई कैंसर, सेकंड है ब्रेस्ट कैंसर। और इंडिया में 100% महिलाओं में से 10-20% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। और 100% कैंसर वाले पेशेंट, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला हैं, उनमें से 20-40% महिलाओं की इसी कैंसर से डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है। और वो हमेशा ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज में उसका ट्रीटमेंट कराने आते हैं, इसलिए उन्हें ट्रीटमेंट करते करते उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए हम इस वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर की पहचान घर बैठे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और आप स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट किन किन तरीके से होता है इसके बारे में जानेंगे, और ब्रेस्ट कैंसर को घर बैठे कैसे ट्रीट कर सकते हो या इसका इलाज घर बैठे कैसे कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे। आपने पहली बार चैनल विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैंसर क्या है, इसके बाद हम ये जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान घर बैठे कैसे कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज अ ब्रेस्ट कैंसर? बॉडी में किसी अनवांटेड पार्ट का ग्रोथ होना, या किसी ट्यूमर का ग्रोथ होना, या किसी गांठ का ग्रोथ होना, या किसी सेल का अनवांटेड रूप से या अपने हिसाब से या किसी भी इच्छा के अनुसार वो सेल अपने ही इच्छा से ग्रोथ हो रहा है तो उसे ही कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर की पहचान कैसे घर बैठे कर सकते हैं इसके बारे में। फिंगर टिप से अपनी ब्रेस्ट का चेकअप खुद करें। इस तरह से उंगलियों को गोल गोल घुमाते हुए हर सेंटीमीटर की जांच करें। फिर बाहरी हिस्से और आर्मपिट्स को भी इसी तरह उंगलियों से दबाते हुए देखें कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। अधिकतर मामलों में ये गांठें खतरनाक नहीं होती हैं। पीरियड्स के आने जाने के साथ साथ ये भी आती जाती रहती हैं। लेकिन जरूरी है कि आप आईने के सामने खड़े होकर बाजुओं को दोनों तरफ रखें और देखें कि स्तन में कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, या फिर निपल्स अंदर की ओर दबे हुए तो नहीं है। अब बाजुओं को सर के ऊपर उठाइए और देखिए कि क्या कुछ भी असामान्य दिख रहा है। फिर आखिरकार हाथों को अपने कूल्हों पर रखें और देखें कि कहीं कोई हिस्सा लाल तो नहीं है। जितनी जल्दी कैंसर का पता लग जाए उतनी ही आसानी से इसका इलाज हो पाता है। अब आपको पता चल ही गया हो कि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान घर बैठे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया है। अब हम ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट किन किन तरीकों से किया जाता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी के माध्यम से जिस बॉडी पार्ट में गांठ है उस गांठ को सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है एनेस्थीसिया की मदद से। सेकेंड है कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी का मतलब यह है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग करके आपके जो गांठ है उसको गलाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट उसी जगह किया जाता है। थर्ड है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी का मतलब यह है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडिएशन का उपयोग करके उस गांठ को वहीं पे गलाया जाता है या उसी जगह पे उसको डिसॉल्व कराया जाता है। ये तीन तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, बट अभी कई न्यू प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का डिसीज हो तो हम घर बैठे उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। परमानेंटली कैंसर ही नहीं, और किसी भी प्रकार का डिजीज हो तो उसका ट्रीटमेंट हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। 21st सेंचुरी में जहाँ पे कई बीमारियां हमारे बीच में और डॉक्टर तो कहते हैं कि कुछ तो ठीक भी नहीं हो सकती, इसी बीच 1960 में बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी डुबे और कीथ आर पोर्टर, इन दोनों ने अपनी अपनी स्टडी के दौरान ऑब्जर्व किया कि हमारी बॉडी के पास कुछ ऐसी एबिलिटी है जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के खराब सेल्स को खाकर हमारी बॉडी को हील कर सकती है। इवन हमारी बॉडी के कैंसर सेल्स को हमारी बॉडी खुद ही खाकर खत्म कर सकती है। अब अगर हमारे शरीर के पास कुछ ऐसी ताकत है तो इसे डिटेल में समझना तो बनता था। तो योशिनोरी ओसुमी जो 1945 में जापान में पैदा हुए थे, उन्होंने शरीर की सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में समझा और इसको नाम दिया ऑटोफेजी। ऑटो मींस अपने आप और फेजी मींस खाना, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली शरीर में मौजूद बेकार सेल्स, टॉक्सिन्स और इन्फेक्टेड सेल्स को खा जाए। अब अगर मैं आपको बताऊं ये ऑटोफेजी क्या है तो भाई और कुछ नहीं, ये है फास्टिंग। सही सुना आपने, व्रत रखना। और इसकी खोज के लिए योशिनोरी ओसुमी को 2016 में नोबेल प्राइज अवार्ड मिला मेडिसिन में। वही अगर मैं कहूँ इंडिया में 3000 सालों से लोग इसके बारे में जानते हैं और ये भाई साहब आए ऑटोफेजी बता के चले। अब आपको कंप्लीट नॉलेज हो गया ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कैसे करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये आपको संपूर्ण नॉलेज हो चुका है। ये वीडियो नॉलेज में लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश फॉर द गुड हेल्थ। थैंक यू माय फ्रेंड।